भारी पुलिस बल के बीच कमांडो अरुण गौतम और किसानों द्वारा बिजली विभाग कार्यालय में जारी है प्रदर्शन। क्योंथर SDOP समरजीत सिंह के नेतृत्व में थानों की पुलिस मौजूद। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा के क्योंथर में बिजली समस्याओं को लेकर किसानों और अरुण गौतम के द्वारा बिजली विभाग कार्यालय का घेराव और तालाबंदी की गई। वहीं मांगे पूरी न होने पर पिछले 6 घंटों से लगातार जारी है धरना प्रदर्शन। किसान मांग कर रहे हैं कि मुख्य रूप से क्योंथर के रायपुर सब स्टेशन क्षेत्र में निर्मित बिजली कटौती को बंद कर शहर की तरीके से बिजली उपलब्ध करवाई जाए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में करीब दर्जनों जले ट्रांसफार्मर को तत्काल बदल कर विद्युत सब स्टेशन की क्षमता 5 MVA से बढ़ाकर 8 MVA की जाए। बता दें कि इससे पूर्व भी कमांडो अरुण गौतम के नेतृत्व में रायपुर मार्ग को 24 घंटे के लिए चक्का जाम करते हुए बंद कर दिया गया था। वहीं क्योंथर दौरे पर आए विद्युत विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा आश्वासन के उपरांत प्रदर्शन खत्म हुआ था। फिलहाल अधिकारियों के द्वारा बिजली बिल समय पर नहीं भरने के साथ ही बजट न होने की बात भी कही जा रही है। वहीं जिस तहसील मुख्यालय में बिजली विभाग कार्यालय के सामने क्षेत्र के किसान बिजली समस्या को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे, उससे 200 मीटर की दूरी पर स्थित जनपद सभागार में सांसद और विधायक अधिकारियों के साथ मीटिंग कर जनहित के कार्यों की औपचारिकता निभा रहे थे। मुख्यालय में घंटों उपस्थित रहने के बावजूद प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच जनप्रतिनिधियों ने जाना मुनासिब नहीं समझा। इन जनप्रतिनिधियों की आखिर किसानों से इतनी बेरुखी क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसकी वजह से क्षेत्र के जनता के बीच अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति असंतोष की भावना निर्मित हो रही है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं क्योंथर से हमारे रिपोर्टर ईशु केसरवानी की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। कमांडो तो एक यूनिट होती है आर्मी की, लेकिन अब आपके साथ, अभी तक इन्होंने आर्मी का जीवन जिया, अब आपके साथ जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो अब ये कमांडर किया गया आपके द्वारा और आपकी पूरी टीम के, क्या कहेंगे सर? देखिए, विद्युत विभाग का घेराव करना मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन जिस तरह हमारे किसान परेशान हैं, पूरा फसल नष्ट हो चुका है, एक महिला को सांप काट लेता है और सांप से महिला की मृत्यु हो जाती है, जिसका 6 महीने का छोटा बच्चा है और अपने बच्चे को अंधेरे में दूध गर्म करने के लिए जाती, उठती है, लाइट नहीं था और उसकी उस महिला की मृत्यु हो जाती है। मैं देश का एक जवान हूँ, जावाज कमांडो हूँ, सेना का जवान और पशुओं में घोड़ा। ये कभी अपने आप को बुढ़ा नहीं मानते, कभी अपने आप को कमजोर नहीं मानते। मैं एक जवान हूँ, मेरे अंदर किसानों का दर्द भरा हुआ है, क्योंकि किसानों ने मुझे जवान बनाया है, किसानों का अनाज खाकर मैं जवान बना हूँ और बॉर्डर में दुश्मनों से लोहा लिया हूँ। अब किसानों को जवान की जरूरत है, इसलिए मैं किसानों के बीच में आया हूँ और यह आंदोलन तब तक मैं करूँगा जब तक बिजली विभाग 24 घंटा बिजली हमारे किसान भाइयों को नहीं देगी, जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदलेगी, सब स्टेशनों का निर्माण नहीं करेगी, पावर कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाएंगे, हम यहाँ आंदोलन करेंगे। इसके लिए यदि मुझे जेल जाना होगा तो जेल भरो आंदोलन के तहत हम जेल भी जाएंगे। इसके बाद इतना ही नहीं, मैं बिजली विभाग के, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिजली विभाग के उन वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि यदि बिजली विभाग इतना कमजोर हो गई है कि इसको मदद की जरूरत है, तो मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से, वो भी चंदा वसूल करके, आपके जो पावर कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, जो आप सब स्टेशन की बात कर रहे हैं, उसको भी मैं देने के लिए तैयार हूं। विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? मुझे अभी विद्युत विभाग के जो डी हैं श्री सुशील यादव जी द्वारा कहा गया कि जो पावर स्टेशन की बात है वो स्वीकृति जरूर है, परंतु किसी निधि से मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें लगभग 3 करोड़ के करीब लागत आएगा, वो जब पैसा मिलेगा तभी जो भी होगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। समाज से भी अरुण गौतम ने भी घेराव किया है,
और साथ में अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि जब तक का समस्या इसका समाधान नहीं होता तो 48 घंटे लगातार तालाबंदी करेंगे और विद्युत प्रवाह भी बंद करेंगे, तो सब क्या कहेंगे? अभी तो उनका आंदोलन चल रहा है और मैंने जैसा भी उनके आंदोलन के बीच में भी उनको सबको अवगत कराया है कि जो उनकी मांगे हैं, हम घरेलू कनेक्शनों में, घरेलू फीडरों में 24 घंटे सप्लाई और कृषि क्षेत्र में 10 घंटे विद्युत सप्लाई दे रहे हैं। कभी कोई मेंटेनेंस का कार्य या कभी सप्लाई बाधित होने के कारण या कहीं तार टूट जाने के कारण समस्या आती है तो उस दौरान सप्लाई बाधित होती है हमारी, लेकिन नियंत्रण क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को देने का प्रयास रहता है पूरे कर्मचारियों का। और साथ ही जो जले ट्रांसफार्मरों का है, जले ट्रांसफार्मरों में ये है कि जो योग्य ट्रांसफार्मर जिनमें बिजली बिल जमा होता 50% उपभोक्ता बिजली बिल जमा करता है उसको हम जल्दी से जल्दी बदलने का बढ़ता क्रम में प्रयास रहता है। साथ ही उनका ये है कि 5 से 8 MVA का पावर ट्रांसफार्मर, तो ये तो दो महीने पूर्व ही सेंक्शन हो गया है ट्रांसफार्मर और इसमें जो है शीघ्र ही उसमें आर्गुमेंटेशन 5 से 8 MVA का ट्रांसफार्मर, लेकिन उसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक सब स्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी और एक 33 KV की लाइन नई लगानी पड़ेगी, कम से कम 14 किलोमीटर की 33 लगेगी, तब जाकर ये ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाएगी। नहीं, लाइट निश्चित रूप से थी, पूरे 9 दिन थी, उसकी मैं फीडर की MRI करवा सकता हूँ, फीडर में लाइट थी, लेकिन यह है कि ओवरलोडिंग के कारण किस दौरान हमको सिंगल फेसिंग करनी पड़ी और जो है एग्रीकल्चर फीडर में हमने 10 घंटे सप्लाई। अगला कदम क्या होगा अगर 40 घंटे लगातार धरने स्टार्ट होते तो अगला कदम आपके क्या आश्वासन मिलेगा लोगों को? देखिए, जो सब स्टेशन के लिए है, सब स्टेशन के लिए अगर किसी निधि से हमको फंड मिल जाता है, सब स्टेशन मेन जो सप्लाई की प्रॉब्लम है, किसी निधि से हमको फंड मिल जाता है या जो हमने प्रपोजल भेजा है वो सेंक्शन हो जाता है तो उसके बाद ही काम हो पाएगा, क्योंकि ये फंड और बजट की बात है। सब स्टेशन निर्माण करना आसान काम नहीं होता, उसके लिए फंड लगता है, बजट लगता है, जमीन देखना पड़ता है, जगह देखना पड़ता है, टेक्निकली फिजिबल जगह रहती है वो उसके बाद में, और जगह के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से आदेश होता है, उसके बाद ही उस पर सब स्टेशन निर्माण और आगे का कार्य हो पाता है।